अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी बच्चों, इस लेक्चर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम लूप को डिस्कस करेंगे। लूप, व्हाट इज लूप। सबसे पहले आपको ये पता हो कि व्हाट इज लूप। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताना चाहता हूँ, ना कि वो इस लूप के मुतलक है बल्कि हर एक टॉपिक के मुतलक। जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लूप क्या चीज़ है, तो लूप को अंडरस्टैंड करने से पहले आपने इसके बारे में तीन क्वेश्चन जो है वो मद्देनजर रखने हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको ये पता हो कि व्हाट इज लूप, उसके बाद आपको ये पता हो कि व्हाई वी यूज्ड लूप, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, और थर्ड आपको पता हो कि हाउ वी यूज द लूप। थर्ड पे फिर आप ये सीखें कि हमने लूप को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लूप का है। लूप क्या चीज़ है जी? लूप आप ऐसे कह लें कि इस तरह से है कि आप एक ही काम को जब बार बार रिपीट करना हो तो उसको लूप कहते हैं, ठीक है। लूप का मतलब क्या, जैसे दिन रात, फिर दिन फिर रात, महीना फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, हफ्ता, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक, फिर वही वीक, डे बाय डे, मतलब दुनिया के अंदर ऐसे कह लें कि पूरे का पूरा निज़ाम ही लूप का है। हर काम रिपीट हो रहा है, दुनिया का हर काम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं C++ के कॉन्सेप्ट के अंदर कि लूप क्या होती है। लूप असल में आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पे कुछ काम रिपीट करवाया जाए, ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पे कुछ काम रिपीट करवाया जाए उसको लूप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब बात यह है कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज। क्योंकि देखें, जब एक ही टास्क, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि जी अपना नाम स्क्रीन के ऊपर 5 मरतबा प्रिंट करें, ठीक है, तो इसका एक हल तो यह है कि आप क्या करेंगे, सी आउट के साथ अपना नाम प्रिंट कर देंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको मैं 5 दफा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, हो जाएगा, ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि मैं बगैर लूप के इसको प्रिंट कर लूं, ऐसे ही है ना। लेकिन देखें, थोड़ी देर बाद मैं स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं जी इसको 10 मरतबा लिखें, मे बी आप फिर भी लिख ले, मैं कहता हूं जी 15 मरतबा लिखें, अब मे बी आप तब भी कर ले, लेकिन मैं कहता हूं जी इसको 100 मरतबा लिखें। अब 100 मरतबा लिखने के लिए आप भी सोचेंगे ये तो पागल हो गया, ये तो बढ़ाता ही जा रहा है टाइम, लिमिट से बढ़ा रहा है। तो फिर आप फिर ऐसे सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि हमारे पास लाइन एक लिखें लेकिन वो चले 100 मरतबा, ऐसी है ना। देखें, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत जो है वो इंसान को नई चीजों के बारे में, ठीक है, आइडियाज प्रोवाइड करती है। अब जो ही जरूरत आई कि हमने क्या करना है, हमने एक ही नाम जो है वो 100 मरतबा प्रिंट करना है, हम सोचते हैं कि भाई हम पागल हो गए, हम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहे, बजाय इसे कि हम क्या करते हैं, हम एक लाइन लिखते हैं और उसे 100 मरतबा जो है वो क्या करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, ठीक है जी। अब इस काम के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लूप की, क्लियर होगी बात, व्हाई वी यूज लूप। एक ही काम को बार बार जब हमने एक से ज्यादा मरतबा परफॉर्म करवाना हो तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। हाउ वी यूज, ठीक है जी। अब इसको यूज करने का तरीकाकार क्या है? अब इसको यूज करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि हर लूप, जो भी लूप होगी, उसके 3 अहम पॉइंट्स होंगे। ऑब्वियसली एक लूप जो है किसी ना किसी पॉइंट से तो स्टार्ट होगी और किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एंड होगी, और फिर स्टार्टिंग से एंड तक जाने के लिए आपको कोई ना कोई ऑपरेटर का सहारा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, या कोई और मजीद कोई एक्सप्रेशन आपको लगाना पड़ेगा जो कि आपको स्टार्टिंग से एंड की तरफ लेके जाए। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, एंडिंग पॉइंट को टर्मिनेशन पॉइंट भी कहते हैं, कंडीशन पॉइंट भी कहते हैं, इसको आप सिलेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, और इसके लिए आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हैं। अब सपोज करें मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसको मैं परफॉर्म करूंगा और उसमें आपको तीनों लूप सिखाऊंगा, व्हाइल डू व्हाइल, इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 3 तरह के लूप आपके पास अवेलेबल है जिनसे आप कामों को रिपीट करवा सकते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है नाम, अपना नाम, कितनी मरतबा, 5 टाइम स्क्रीन के ऊपर, ऑन दी
स्क्रीन। ठीक है, अब 5 टाइम की बजाय हम कर देते हैं 15 टाइम, ताकि थोड़ा सा मकसद भी नजर आए। जी 15 टाइम है, पहले फॉर लूप के साथ करते हैं। फॉर लूप में क्या करेंगे हम, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू 15, और आई प्लस प्लस। जिसे करवाना क्या है हमने, हमने इसे सिर्फ नाम प्रिंट करवाना है। बैक स्लैश एन लगा दें, यानी जो ही नाम प्रिंट हो तो क्या हो जी, अगली लाइन पे नाम प्रिंट हो जाए। ये जरा रन करके देखें। ठीक है, लाइन एक लिखी है लेकिन चली कितनी मरतबा है, 15 दफा। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें, ये सिंटैक्स नजर आ रहा है आपको, इसको आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर लूप के बारे में इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, और भी इसके अंदर काफी सारी इसकी फीचर्स हैं। मैं असल में तीनों लूप को इस्तेमाल करके दिखाना चाहता था आपको। अच्छा अब ये देखिए, यही कोड मैं करूंगा किसके साथ, अब वाइल लूप के साथ। वाइल लूप के साथ कैसे करेंगे जी, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, इंट आई इज इक्वल टू 1, और आई लेस देन इक्वल टू 15। जी सी आउट अब्दुल्ला बैक स्लैश एन और आई प्लस प्लस। जी कोई डिफरेंस नजर आया आपको ऊपर वाली लूप में और इस नीचे वाली लूप में, कोई डिफरेंस नहीं। वो भी 15 मरतबा एग्जीक्यूट कर रही है काम को, उसी लाइन को, और ये भी 15 टाइम्स जो है वो उसी लाइन को एग्जीक्यूट कर रही है। डिफरेंस सिर्फ इसके अंदर सेंटेक्स का है, जो इसका मेजर डिफरेंस है मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इसके दरमियान जो है वो मेजर डिफरेंस क्या है। जी ठीक है, इसमें डिफरेंस किसका है, सेंटेक्स का डिफरेंस आया है। सेंटेक्स का डिफरेंस क्या है, सेंटेक्स में ये है कि लूप जो फॉर लूप है उसकी आप एक लाइन के अंदर ही तीनों पॉइंट्स बता सकते हैं। कौन कौन से तीनों पॉइंट्स जी, ये देखिए, इसमें इनिशियल पॉइंट बताया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, फिर उसका एंडिंग पॉइंट बताया, और फिर बताया कि स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ आपने जाना कैसे। जैसे कि यहाँ मैंने लगाया है 1, कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका 1 है, और 15 तक जाना तो 15 इटरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो 1 से 15 की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक का इजाफा करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अब सपोज करें यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया, मैंने क्या किया है, मैंने इनिशियल पॉइंट उसको 1 दिया और उसे कहा कि जब तक, वाइल का मतलब होता है जब तक उस आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू 15 के बराबर ना पहुंच जाए, ठीक है, ये लूप चलती रहेगी। अच्छा अब सपोज करें मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर कंडीशन क्या लगेगी, यस ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक ये 1 के बराबर ना आ जाए, और फिर आई क्या होगा, फिर माइनस माइनस होगा। क्लियर है, यस ठीक है। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे कर देता हूँ 30, कि स्टार्टिंग 30 से हो और जब तक वो 1 के बराबर ना आ जाए। अब चलाना मैंने 15 मरतबा है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है 30। अब मैं क्या करूंगा, 2 का डिफरेंस डाल देता हूँ, आई माइनस 2, ठीक है, चलेगी ये भी 15 मरतबा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कुछ, यानी आप उसको चलाए उतनी मरतबा। तो आप ऑपरेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, आपने सिर्फ उसको उस लिमिट तक लेके आना है, कैसे भी करके आपने उसको उस लिमिट तक लेके आना, ताकि उतनी मरतबा ही वो चल जाए। अच्छा अब इसको डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं। जी डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल तरीन इसका सोल्यूशन ये है कि वाइल को यहां से कट करें, इसके बैक पे लगाएं, सेमी कॉलन लगा दें, और यहाँ पे डू लगा दें, नाउ योर प्रोग्राम इज नाउ कन्वर्ट इन डू वाइल। ठीक है जी, जरा देखें प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये वाइल डू वाइल फॉर लूप ये काम एक जैसे करते हैं, तीनों का मकसद क्या है, एक ही काम को बार बार रिपीट करना। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। जी इन दोनों में जो डिफरेंस है, फॉर लूप यूज होती है काउंटर, इसका सिंपल तरीन जो हल है, when you know the termination
पॉइंट इन एडवांस, जब आपको एंडिंग पॉइंट का शुरू में ही पता चल जाए कि आपने लूप इतनी दफा चलानी है, तो फॉर लूप इज द बेटर चॉइस। ठीक है, अगर आपको एडवांस में पता ना चले, यू नॉट नो द टर्मिनेशन पॉइंट इन एडवांस, फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाइल और डू व्हाइल। ठीक है, अब व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बहुत ही सिंपलर सा डिफरेंस है। अगर आप इसको दोबारा से देखें, इसको अनकमेंट कर लें जरा पहले। जी, अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप में कंडीशन यहां पे आती है, ठीक है, और डू व्हाइल में कंडीशन बॉडी के बाद आती है। ठीक है, यानी फॉर व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होने के बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, जबकि डू व्हाइल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। ओनली डिफरेंस आर सिंटैक्स। ठीक है, इसमें मिनिमम वन टाइम जो है वो लूप जरूर जो है वो चलती है, जबकि इसमें जो है वो डू व्हाइल में मिनिमम एक दफा लूप जरूर चलेगी, जबकि व्हाइल लूप में लूप जो है वो कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगी, अदरवाइज एक दफा भी लूप नहीं चलेगी। इस जो वीडियो का सिर्फ मकसद यही था कि आपको तीनों लूप्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। व्हाइल डू व्हाइल के मैंने काफी सारे प्रोग्राम जो है वो वीडियोस के अंदर प्रोवाइड भी किए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। काफी सारी एग्जांपल्स हैं, एसेंशियल वैल्यू की काफी सारी एग्जांपल्स प्रोवाइडेड है। पहले कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, जैसे कि वो सम का प्रोग्राम है, सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो है वो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई है, आप उनको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अपना ख्याल रखें और दुआ।